हेलो गाइस, वेलकम एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज की सभा में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में बातचीत करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा था, और अब कोई भी फील्ड है, कोई भी चीज है, उसको कागज पे रिप्रेजेंट तो करना ही पड़ेगा ना। जैसे कि हम सनलाइट को रिप्रेजेंट करते हैं तीर बना बना के, एरोज बना बना के, सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड को भी हमें रिप्रेजेंट तो करना ही पड़ेगा। तो हमारे पुराने बुजुर्गों ने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कुछ लाइनें बना बना के रिप्रेजेंट करेंगे, तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को बनाते हैं। क्या ये बात समझ में आई? अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाने का तरीका है, वो तरीका क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, ये समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हेडिंग डाल लो। इसके फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं कि पहली प्रॉपर्टी क्या है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज और इन्फिनिटी एंड एंड्स एट नेगेटिव चार्ज और इन्फिनिटी। कहता है कि ये पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होगी या फिर इन्फिनिटी से स्टार्ट होगी, और नेगेटिव चार्ज पे खत्म होगी या इन्फिनिटी पे खत्म होगी। ध्यान सुनना क्या कह रहा है। मान लो कि हमारे पास एक प्लस क्यू चार्ज है और एक है माइनस क्यू। तो प्लस क्यू के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे दूर भागेंगी, पॉजिटिव चार्ज से शुरू होके इन्फिनिटी तक जाएंगी, ऐसे दूर भागेंगी। अगर दुनिया में कोई भी और चार्ज नहीं है तो रेडियली आउटवर्ड निकलेंगी पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। कहां से निकल रही है? पॉजिटिव चार्ज से। कहां पर जाके रुक रही है? इन्फिनिटी पर। ठीक वही नेगेटिव चार्ज के केस में इन्फिनिटी से शुरू होके इस चार्ज तक पहुंचती है, ऐसे। ठीक है, पॉजिटिव से निकलती है, नेगेटिव पे खत्म होती है। अब नेगेटिव वाले चार्ज के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन शुरू कहां से हो रही है? इन्फिनिटी से, और खत्म कहां पे हो रही है? नेगेटिव चार्ज पे। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से शुरू हो सकती है या इन्फिनिटी पे शुरू हो सकती है, खत्म इन्फिनिटी पे होंगी या फिर नेगेटिव चार्ज पे होंगी। क्या ये बात समझ में आई? हाँ ना बोलो, बहुत बढ़िया, छाप लो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में चर्चा करते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी ये कहती है कि मान लो हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये रही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जरूरी नहीं है सीधी हो, टेढ़ी भी हो सकती है, और हमें यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है इस पॉइंट पे। कैसे पता की जाएगी? यहां पर टेंजेंट बना के, तो ऐसे टेंजेंट बनाएंगे, तो ये है यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। क्या ये समझ में आया? तो प्रॉपर्टी क्या लिखी जाएगी? टेंजेंट एट अ पॉइंट, टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन विल गिव डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। आई होप कि ये सबको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। कि किसी भी पॉइंट पे अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता करनी है, टेंजेंट बना लो, डायरेक्शन पता चल जाएगी। इज इट अंडरस्टैंडेबल? बहुत अच्छे। थर्ड प्रॉपर्टी, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, कि कोई भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। कैसे? मान लो कि इंटरसेक्ट कर रही है, मान लो कि ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक ऐसे जा रही है, एक ऐसे जा रही है। अब मुझे ये बताओ, ये जो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यहां पर हमारे पास दो टेंजेंट आ जाएंगी, एक इस डायरेक्शन में आ गई और एक इस डायरेक्शन में आ गई। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में शो करोगे? दो डायरेक्शन आ रही है हमारे पास, तो कौन सी डायरेक्शन तुम मानोगे कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड की सही डायरेक्शन है? बहुत कंफ्यूजन। तो ये पॉसिबल ही नहीं होता,
दो इलेक्ट्रिक लाइन कभी इंटरसेक्ट करती ही नहीं है, अदरवाइज तो हमारे पास एक पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन आ जाएगी। किसी भी एक पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की तो सिर्फ एक ही डायरेक्शन होती है, दो डायरेक्शन तो नहीं हो सकती। क्या ये समझ में आया? छापो। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ, फोर्थ। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट ई नेट एट अ पॉइंट। ये बहुत ही अच्छा सा एक प्रॉपर्टी है। मान लो कि हमारे पास दो चार्ज है, एक क्यू वन और एक क्यू टू। हम लोग पी पॉइंट के बारे में सोच रहे हैं। इस पी पॉइंट पे क्यू वन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगी, इसको मैं ई वन कह देता हूं। क्यू टू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगी, इसको मैं ई टू कह देता हूं। अब इन दोनों का मिलके एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। पैरेललोग्राम लॉ लगा के नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की मैं डायरेक्शन शो कर देता हूं, इधर की तरफ आ रही है ई नेट। इस पी पॉइंट पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनेगी वो ई नेट के अकॉर्डिंग बनेगी, ई वन या ई टू के अकॉर्डिंग नहीं बनेगी। असली दुनिया में हम लोग ई वन और ई टू तो अपनी सहूलियत और कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लेते हैं, बना लेते हैं। असलियत में किसी भी एक पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ही रिप्रेजेंट होती है, ई वन या ई टू नहीं होते। ई वन या ई टू तो हमारी कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए होती हैं। हमेशा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ही मिलेगी जहां भी मिलेगी तुम्हें। अरे समझ में आया? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी सिर्फ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगी, किसी भी इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड को वो रिप्रेजेंट नहीं करेगी। चमक गई बात? ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी। डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। अब इसका मतलब क्या बना? डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ध्यान से देखना, मैं एक डायग्राम बना रहा हूं। मान लो कि ये तीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैंने रिप्रेजेंट कर दी और मैं दो पॉइंट्स के बारे में बातचीत करना चाहता हूं। एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी। तुम्हें किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा करीब नजर आ रही हैं, ज्यादा नंबर नजर आ रहे हैं किसी एक गिवन एरिया में? बी पॉइंट पर। बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज क्लोज आ चुकी हैं, वहां पर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा है एज कंपेयर टू ए, ए पे दूर दूर है। तो जहां पे डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की ज्यादा होगी वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी स्ट्रांग होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बी पॉइंट की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पॉइंट ए। क्या ये बात समझ में आई सबको? हाँ ना, बोलो सन्नाटोस। छापो छापो। ओके, अब हमें समझ में आया कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ इस पे भी डिपेंड करती है कि चार्ज कितना है ना। अब मुद्दा क्वेश्चन ये है कि अगर मान लो कि एक कुलम से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनानी है तो कितनी फील्ड लाइन बनाऊं? 10 बनाऊं, 20 बनाऊं, 40 बनाऊं, 50 बनाऊं, कितनी बनाऊं? कहते हैं ना कि जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी उतनी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, सही बात। तो एक कुलम की जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ आएगी उसको मैं कितनी फील्ड लाइन से रिप्रेजेंट करूं? तो इसका आंसर है कि भाई कितनी मर्जी बना लो। मान लो कि मैंने बना ली चार, एक दो तीन चार। असलियत में तो इनफाइनाइट निकलती है, अब इनफाइनाइट तो बना नहीं सकते हम लोग। चार बना ली, अब चार पे तुम स्टिक हो जाओ कि अगर एक कुलम के लिए चार बनाई है तो फिर दो कुलम के लिए आठ बनानी पड़ेंगी। अब स्टिक हो गए कि भाई एक कुलम से निकलने वाली चार इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फिक्स हो गई, तो दो कुलम से निकलने वाली फिर आठ आएंगी। ये है मतलब कि जितना
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का नंबर ज्यादा होगा उतनी स्ट्रेंथ ज्यादा आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, ये है उसका मतलब। तो राइट वाले में इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ दोगुनी होगी एज कंपेयर टू लेफ्ट वाले से। चमकी बात, बहुत अच्छे छापो। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू चार्जेस डू नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप्स। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाएंगी, जो हमारे चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं है वो कभी भी क्लोज लूप क्यों नहीं बनाएंगी। क्यों नहीं बनाएंगी इसके ऊपर थोड़ी चर्चा कर लेता हूं। मान लो कि क्लोज लूप बना लिया, ये है चार्ज क्यू, इस पे फोर्स लगेगी क्यू ई, और इसका डिस्प्लेसमेंट मान लो सर्कल की तरफ ही हो रहा है। तो हर छोटे छोटे इंटरवल में अगर हम लोग इसके ऊपर आने वाला वर्क डन निकाले, ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट मेरा डीएक्स, तो छोटा सा जो वर्क डन आएगा वो आएगा मेरी फोर्स इंटू डीएक्स। ये सारे पूरे सर्कल में घूम जाओ, पूरे सर्कल में घूम जाओगे तो टोटल वर्क डन निकालने के लिए आ जाएगा क्यू इंटू ई इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स। सारे छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट ऐड करोगे तो वो आ जाएगा 2πr, है ना, आर इसका रेडियस मान लो चाहे। अब ये जो वर्क डन आया है ये नॉन जीरो आया है ना, बोलो। अब इलेक्ट्रिक फोर्स होती है कंजर्वेटिव फोर्स, और कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन एक सर्कल में जीरो आना चाहिए। अगर हमारा इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम है, वहीं पर आ चुके हैं जहां पर पहले थे, तो हमारा नेट वर्क डन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए जीरो आना चाहिए। लेकिन यहां तो जीरो नहीं आ रहा, इसका मतलब ये सर्कुलर लूप ही नहीं बनेगा, ये पॉसिबल ही नहीं है। वर्क डन फॉर कंजर्वेटिव फोर्स इन क्लोज लूप मस्ट बी जीरो, लेकिन यहां पे जीरो आ नहीं रहा, इसलिए ये केस ही नहीं बनेगा, इसलिए क्लोज लूप एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। अरे बात समझ में आई, हा ना, बोलो सन्नाटोस, पक्का आई समझ में? बहुत बढ़िया, शानदार, छाप। चलो अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाने की कोशिश करते हैं ड्यू टू डिफरेंट अरेंजमेंट्स। मान लो कि हमारे पास एक प्लस क्यू चार्ज है, एक और प्लस क्यू चार्ज है, दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी बनेगी वो बनानी है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव है, दोनों रिपेल करने की कोशिश कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे की फील्ड लाइंस को भी रिपेल करने की कोशिश करेंगे। जो फील्ड लाइन इसकी इधर से निकली वो इधर को रिपेल हो जाएगी, और इसकी वाली भी ऐसे रिपेल हो गई, दोनों एक दूसरे की फील्ड्स को रिपेल करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये बात समझ में आई? हाँ ना, बोलो। अरे इज इट राइट? तो ऐसी कुछ फील्ड लाइंस निकलेंगी, है ना, एरो जरूर बना लेना ताकि पता चल जाए कि फील्ड लाइन की डायरेक्शन किधर है, कैसे निकल रही है ना, तीर सबके बना लेना ऐसे। दोनों चार्ज पॉजिटिव लिए थे, ओके, बड़े तीर बनाने पड़ेंगे भाई। है ना, पॉजिटिव क्यू और पॉजिटिव क्यू, और वहीं पे अगर एक पॉजिटिव होता एक नेगेटिव होता तो क्या होता? मान लो कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो पॉजिटिव से निकली नेगेटिव में घुस गई, पॉजिटिव से निकली नेगेटिव में घुस गई, ऐसे बनेगा फिर तो। अरे समझ में आया? पॉजिटिव निकली नेगेटिव में घुस गई, ये पॉजिटिव से निकली दूर से घूम के आई और नेगेटिव में घुस गई, ये निकली दूर से घूम के आई और नेगेटिव में घुस गई। तीर जरूर बना लेना,
है ना। अब तो नेगेटिव क्या करेगा, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसको अट्रैक्ट करेगा। चमकी बात, एक पॉजिटिव निकली लेफ्ट की तरफ, इन्फिनिटी से घूम के आई, नेगेटिव में घुस गई आके, तो ये बनेगा ड्यू टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इज इट अंडरस्टैंडेबल एवरीवन? शानदार, छाप दो छाप दो छाप दो छाप दो छाप दो, छाप दिया पक्का, सोच लो। ऑलराइट, तो ये थी हमारी चर्चा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे, और हम लोग नेक्स्ट क्लास में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में चर्चा शुरू करेंगे कि दो चार्जेस पड़े हैं, तीन चार्जेस पड़े हैं, तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, कैसे निकालेंगे, क्यों आती है पोटेंशियल एनर्जी, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।